हाँ जी दोस्तों, टाइटल आपने देख लिया, आपको पता चल गया वीडियो किस बारे में है। आप देखो जीएसएम मॉनिटर, मैं हूँ आकाश। तो बात करेंगे आज किरिन 970 वर्सेस क्वालकॉम 835 के स्पीड टेस्ट का पार्ट वन, यानी कि यहाँ पर अगला टेस्ट होगा नोट 8 के साथ या फिर एस 8 प्लस के साथ। इसका मैंने टेस्ट इसके लिए किया है मीमिक्स 2 के साथ। प्राइस वेरियंट दोनों डिवाइसेज का सेम है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या आउटपुट मिलती है बेंचमार्क टेस्टिंग में और लाइव टेस्टिंग जो कि हम गेमिंग सोशल मीडिया या नॉर्मल करते हैं। तो पहले आप वो वीडियो पूरी देखिए, आपको पता चले कि दोनों डिवाइसेस कैसे आपको आउटपुट देती हैं जो आप चिपसेट यूज करते हो। बाकी हम बात करेंगे आगे और बढ़ेंगे आगे, करेंगे लास्ट पार्ट में डिटेल में बात। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यहां पर बेंचमार्क टेस्टिंग करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन यहां पर रन नहीं हो रही। बेंचमार्क टेस्टिंग के लिए यहां पर हम ओपन कर देंगे गीकबेंच की एप्लीकेशन को, तो यहां पर मैं रन कर देता हूं। सीपीयू टेस्टिंग करेंगे पहले सिंगल कोर और मल्टी कोर के लिए, उसके बाद होगी जीपीयू टेस्टिंग। तो यहां पर मैं लेवल में करके दोनों को रन कर देता हूं। अभी वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जब रिजल्ट आएंगे हम बात करेंगे, उसके बाद करेंगे जीपीयू टेस्टिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आगे। हां जी, यहां पर दोनों डिवाइसेस ने ऑलमोस्ट एक साथ टेस्ट पूरा किया है और अपलोडिंग हो रहा है रिजल्ट, बाकी आपने देख ही लिया है। तो देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है आपके सामने है, सिंगल कोर की बात करें यहाँ पर मी मिक्स 2 की तो 1941, और अगर बात करें यहाँ पर वावे V10 की या ऑनर V10 की तो 1899 यानी कि 1899। अगर बात करें मल्टी कोर की यानी मल्टी टास्किंग की या रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर मी मिक्स 2 में आया है 6745, जबकि यहाँ पर 6815 है V10 में। तो ये यहाँ पर CPU की टेस्टिंग थी। अभी हम वापस जाएंगे और GPU टेस्टिंग को कंप्यूट में जाके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रन कंप्यूट बेंचमार्क, रन ऑल कंप्यूट बेंचमार्क, तो यहाँ पर रन कंप्यूट बेंचमार्क के ऊपर जाएंगे। अभी आगे इसका टेस्ट नोट 8 के साथ भी आएगा और देखेंगे कि दोनों में कैसे हमें मिलता है। तो चलिए पहले इसे मैं फॉरवर्ड करता हूं, बाकी हम बात करते हैं आगे। तो हाँ जी, यहाँ पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अगर हम बात करें जीपीयू की, तो यहाँ पर एड्रीनो 540 या जो भी यहाँ पर मी मिक्स 2 में दिया गया है आपके सामने है, तो 8028 स्कोर आया है। अगर बात करें यहाँ पर ऑनर V10 की, तो 8645 आया है। अब ये कैसे डिफरेंस डालता है रियल टाइम जो हम टेस्ट करेंगे वो आगे देखते हैं, बाकी हम बात करेंगे आगे और बढ़ेंगे आगे। तो हाँ जी, यहाँ पर अभी हम करने जा रहे हैं स्पीड टेस्ट 1x1 एप्लीकेशन में। आपने खुद ध्यान देना है और देखना है कौन सी डिवाइस बढ़िया रिस्पॉन्ड करती है सोशल मीडिया में, गेमिंग में, या फिर नॉर्मल जो हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर मल्टीटास्किंग में। तो शुरू करेंगे हम नॉर्मली अपनी कॉलिंग वाली ऑप्शन से लेके सोशल मीडिया और उसके बाद गेमिंग, और लास्ट में हम करेंगे यहाँ पर जो फ़ोन मैनेजर में हमारा ऑप्टिमाइजेशन होती है कैशे क्लीन की और दूसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा प्रॉपर देता हूं ताकि आपको भी ध्यान से दिखे, जूम को थोड़ा सा आउट कर देता हूं। तो चलिए सही है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये रही कॉलिंग की, तो आपके सामने है। उसके बाद करूं कॉन्टैक्ट की, तो ये भी आपके सामने है। उसके बाद यहां पे मैसेजिंग में जाते हैं, तो ये भी आपके सामने है। ब्राउजिंग में जाते हैं, तो ये भी आपके सामने है। अगर बात करें यहां पर मी मिक्स ने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, पर बाकी आपने ध्यान देना है और देखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सेटिंग में जाते हैं दोनों में, तो आपके सामने है। उसके बाद अगर हम जाते हैं नीचे सिस्टम में, तो ऑल डिवाइस में ये रहा। यहाँ पे ऑल स्पेक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें अबाउट फ़ोन में जाना पड़ेगा, तो ये रहा। तो ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर हमें मिलता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता। तो उसके बाद इसको हम करते हैं बंद। सोशल मीडिया में अगर जाएं, तो उससे पहले फाइल मैनेजर में जाते हैं और देखते हैं दोनों में कौन सा पहले ओपन होता है। तो V10 ने यहाँ पर पहले ओपन कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया में यूट्यूब पर जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा हमें पहले ओपन करता है, तो V10 ने थोड़ा सा पहले कर दिया ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इसे बंद करते हैं। फेसबुक में जाते हैं और देखते हैं, तो ये आपके सामने है। यहाँ पर मी मिक्स 2 ने थोड़ा सा जल्दी कर दिया अगर देखें तो, जी हाँ। तो उसके बाद जाते हैं इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। तो जी हाँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है।
तो उसके बाद यहाँ पर जाते हैं ट्विटर में, तो ट्विटर ओपन कर देंगे ये आपके सामने। यहाँ पर मी मिक्स 2 ने थोड़ा सा जल्दी ओपन किया, बाकी देखते हैं आगे। और उसके बाद ये सारा टेस्ट हो गया, प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपके सामने है। तो गेम हम एक साथ दोनों में ओपन करेंगे एक सी, तो ये रहा। तो जी हाँ, मी मिक्स 2 ने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। अगर बात करूँ तो इंटरनेट कनेक्शन सेम है जैसे कि आपको पता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी टेस्ट आपने देख लिए। यहाँ पे जाते हैं गैलरी में, तो ये आपके सामने है। ये यहाँ पे जाते हैं कैमरा में, तो ये भी यहाँ पर मेरे ख्याल से V10 ने किया या किसने, ये आप देखिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आती है यहाँ पर बात गेमिंग की, तो गेमिंग में अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे असफॉल्ट 8 को पहले ओपन करेंगे दोनों में, देखेंगे कौन सी पहले ये प्ले की ऑप्शन दे देता है। ठीक है, प्ले नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, यहाँ पर आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा। तो मी मिक्स 2 में यहाँ पर पहले ओपन हो गई है अगर देखें तो। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर अगर गेम में, तो ये आगे मारियो रन, तो मारियो रन को ओपन करते हैं, देखते हैं। ये भी काफ़ी हैवी गेम है अगर हम बात करें तो, ये देखते हैं कौन सी गेम ओपन होती है। प्ले की ऑप्शन ओके, तो यहाँ पर पहले आया V10 में, हल्का सा हमें लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं टेम्पल रन में और देखते हैं ओके। तो यहाँ पर टेम्पल रन हो रहा है, मैं ऐसे अलाउ कर देता हूँ ओके। तो लोडिंग हो रही है, इवन की ऑलमोस्ट सेम टाइम है यहाँ पर हमें लगा था कि मी मिक्स 2 में होगा, क्योंकि ऑप्शन का यहाँ पे हमें आई थी अपने V10 में अलाउ की, परमिशन की। तो यहाँ पर करते हैं सबवे सर्फ को। यहाँ पर मैं ज़्यादा गेम्स क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि हैवी यहाँ पर फ़ोन है तो हम ज़्यादा गेम्स रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी V10 ने पहले ओपन किया अगर हम देखें तो। तो ये सारा हो गया, अभी हम देखेंगे रैम मैनेजमेंट में। यहाँ पर दोबारा से जाते हैं कॉल में ओके, यहाँ पर जाते हैं कॉन्टैक्ट्स में ओके, यहाँ पे जाते हैं मैसेजिंग में ओके, यहाँ पे जाते हैं ब्राउजिंग में। तो ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स है। यहाँ पर प्ले स्टोर में अगर देखें तो ये भी आपके सामने है, सेम यहाँ पर उसने रैम में रखा हुआ है। अगर बात करें यूट्यूब की, तो यहाँ पर मी मिक्स 2 में उसने रखा हुआ है, जबकि V10 में उसने दोबारा से लोड किया। बात करें फेसबुक की, तो ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पर। उसके बाद जाते हैं इंस्टाग्राम में, तो ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पर। ट्विटर में जाते हैं तो ये देखिए, जी हाँ ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे रैम में गेमिंग किसकी बढ़िया चल रही है, तो दोनों को ओपन करेंगे ओके। तो यहाँ पे मी मिक्स 2 ने जल्दी ओपन किया थोड़ा सा, पर ठीक है दोनों ही एक तरह से सेम ही है। तो यहाँ पर जाते हैं मारियो में, तो 1 2 3, तो यहाँ पर V10 में लोडिंग ले रहा है ठीक है, जबकि यहाँ पर मी मिक्स 2 में सेम है। तो यहाँ पर प्ले की ऑप्शन आ रही है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टेम्पल रन 2 में, तो यहाँ पर सेम है ओके। तो यहाँ पर देखते हैं सबवे सर्फ में ओके, यहाँ पे रिज्यूम मांग लिया, सेम है ठीक है। तो आपके सामने ये ऐसे डिवाइस दोनों काम करती हैं। अभी जाते हैं इसके रैम मैनेजमेंट में, दोनों को ओपन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओके, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे कैशे को क्लीन करेंगे, क्लीन अप करेंगे एक साथ। तो रैम मैनेजमेंट दोनों की काफ़ी हद तक सेम है। तो यहाँ पर पहले कर दिया ऑनर ने ओके, तो अभी यहाँ पर कर रहा है ओके, तो ऑप्टिमाइज कर दिया। मी मिक्स 2 पीछे है, अगर हमने यहाँ पे डन हो गया और ये रहा ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बढ़िया है अगर बात करें EMUI की, जो मुझे लगा, बाकी आप मुझे बताइएगा, देखेंगे आगे। तो चलिए ये कुछ इसका ऐसा स्पीड टेस्ट था जो कि आपके सामने है। तो ऐसे कुछ ये दोनों डिवाइसेज रिस्पॉन्ड करती हैं रियल लाइफ में अगर आप यूज़ करते हो। बाकी हम बात करते हैं आगे। तो वीडियो आपने देख ली, मुझे आशा है आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर बात करें टेस्टिंग की, बेंचमार्क टेस्टिंग में जब हमने CPU टेस्ट किया, सिंगल कोर मल्टी कोर का जो डिफरेंस था आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सिंगल कोर में मिक्स 2 में 1941 मिला, जबकि V10 में 1899 मिला।
मल्टीकोर में 6745 मिला मिक्स टू में, जबकि वी टेन में 6815 मिला। यहीं पर जीपीयू की बात करें 8028 और 8645 का डिफरेंस था, यानी मिक्स टू में 8028 और जीपीयू में वी टेन में 8645 का रिजल्ट हमें देखने को मिला जब हमने लाइव टेस्टिंग आपके सामने की, तब आपने देखा। अभी आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी डिवाइस बढ़िया लगी आउटपुट में। नेक्स्ट आप वी टेन के साथ स्पीड टेस्ट देखना चाहते हो नोट 8 या फिर एसेट प्लस के साथ, तो नेक्स्ट जो हम बजट मोबाइल में Redmi 5 Plus और Honor 7X या फिर Honor 9i की टेस्टिंग करेंगे। पोल आपके लिए दो ऊपर छोड़ रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि दोनों में आप कौन सी टेस्टिंग आगे देखना चाहते हो। और भी आगे आपको Honor V10 की वीडियोस मिलेंगी, जैसे मुझे काफी क्वेश्चन सोशल मीडिया के ऊपर मिल रहे हैं मेरे दोस्तों से, तो उसी से प्रभावित होकर काफी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। अगर आप V10 लेना चाहते हो तो आपको वो वीडियोस आपके लिए बढ़िया रहेंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है अपने सजेशन और सुझाव। पोल के ऊपर आपने बताना है नेक्स्ट वीडियोस के लिए। डेली दो वीडियोस देने की मैं आपको कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट यूट्यूब का थोड़ा इश्यू चल रहा था नोटिफिकेशन का, इसीलिए परसों मैंने वीडियो को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था ताकि कोई इशू ना हो। अगर हम वीडियो डाल रहे हैं ये ना हो कि वीडियो विदाउट नोटिफिकेशन निकल जाए और किसी को देखने को ना मिले या फिर आपके डाउट क्लियर ना हो पाए। तो चलिए मिलेंगे जल्दी ऐसी टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले करना है छोटे से दो तीन काम आपने, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है वो बेल आइकन ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले, और आप देखो हमारा लाइव सेशन भी सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हो। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो बेल आइकन को दोबारा से दबाकर नीचे ऑप्शन में जाकर ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन इश्यू को सॉल्व कर लेना है, आपको भी आने लगेगा। तब तक के लिए हम करते हैं अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल आपसे दोस्तों, जब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो नमस्कार, आप देखो GSM और मैं हूं आकाश, खुश रहिए।